हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। एंड आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टीचर डे के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया में जो टीचर डे है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे भी एक टीचर थे, प्रसिद्ध विद्वान थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और हमारा जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद इंडिया के वो सेकेंड प्रेजिडेंट थे। और जो उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तो इसीलिए हम लोग टीचर डे 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक की वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। छात्रों को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो आपका ट्यूशन टीचर है, चाहे वो आपका आपकी मदर आपको एज ए टीचर पढ़ा रही है, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आपके ब्रदर हैं बड़े जो आपको पढ़ाते हैं, कोई भी हैं, जिससे भी आपको शिक्षा मिलती है वो आपके लिए एक टीचर हैं, ठीक है। और जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो तो शिक्षक है बकायदा। शिक्षक जो है भविष्य निर्माण करते हैं बच्चों का और उनको रेडी करते हैं फ्यूचर में आने वाली उनको हर प्रॉब्लम्स का फेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए रेडी करने के लिए। वे उनको हर तरह के जागरूक बनाते हैं और उनका जो अज्ञानता का जो अंधेरा है उसको हटाते हैं। उनसे हमको नॉलेज मिलती है, हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। सिर्फ यही नहीं कि वो आपको सिर्फ बुक लेते और पढ़ाते हैं, वो आपको बहुत कुछ आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आपका आपको सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं, जो छात्रों के जीवन का और राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत भूमिका निभाते हैं, अच्छी भूमिका निभाते हैं। और एक छात्र के रूप में आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करें और टीचर डे को सेलिब्रेट करें। क्यों करें? ताकि आप उनको धन्यवाद कह सकें। ये एक अवसर है जिससे आप अपने टीचर को आप अपना धन्यवाद दे सकते हैं। तो चलिए, इसी से ही रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है और मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगेंगी। और ये कहानी अनिल साहू जी की है, जो शिक्षक हैं, वो ब्लॉग वगैरह लिखते रहते हैं, तो मुझे इंटरनेट के थ्रू उनकी एक कविता अच्छी लगी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो गुरु थे वो बहुत मेहनत करते थे, परंतु राजा को शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं। तो राजा ने एक दिन हिम्मत की और गुरुजी के सामने गए और अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान हैं और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात कह भी नहीं पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा
और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो देखा दोस्तों, इससे क्या हमको सीख मिलती है कि जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो किसी पद या धन के वजह से छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इस कहानी का अर्थ ये बताना नहीं है कि सिंहासन ऊंचा है तो ही उसको सीख मिलेगी, नहीं। जो राजा के अंदर जो अहंकार था कि हाँ मैं राजा हूँ, जब तक वो उस अहंकार को ख़त्म नहीं करेगा तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे जो सिंहासन की बात नहीं है, यहाँ पर बात है इज्जत देने की, कि जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका स्थान हमेशा आपके दिल में भी ऊंचा ही होना चाहिए। उस सम्मान देने की बात है। स्वयं को ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे थे राजा। जब उन्होंने वो घमंड छोड़ा तो उनको शिक्षा भी ग्रहण को अच्छे से मिल गई। इसीलिए हम सबको अपने गुरु शिक्षक के प्रति एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उनके प्रति इज्जत की भावना रखनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। चाहे अभी आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपके पुराने टीचर्स थे, कभी भी आपको मिलते हैं आप उनको झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है। तो ऐसे ही आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने टीचर डे के दिन शिक्षक दिवस पर आपस में हमने सेलिब्रेट किया है। आप लोग भी आज अगर स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स को विश कीजिए, उनको स्पेशल फील कराइए, और अगर आप टीचर हैं तो आप भी अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रह कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।